आज शुणा जगन्नाथ दास रचित कविता वृक्ष महात्म्य। ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी शेषार्ध आउ षोडश शताब्दी प्रथमार्धर जने सुप्रसिद्ध कवि। जगन्नाथ दास ओडिया भागवत ओडिया जाति पाई श्रेष्ठ अवदान। भागवत ओडिया जातिर महाकाव्य संस्कृत भाषा रे रचित श्रीमद् भागवतर छाया रे रचित ही पुराण महाकाव्य रे कवि जगन्नाथ ओडिशार सामाजिक जीवन को नहीं मौलिक विषय विन्यास करिछंती। लोकप्रियता दृष्टि जगन्नाथ दास भागवत ओडिशार घरे घरे आदृत। ओडिया भागवत व्यतीत जगन्नाथ दास आउ केतेक जनाशुणा रचना हेउछि तुलाभिणा, अर्थकोइली, दारुब्रह्म गीता, मृगुणी स्तुति इत्यादि। प्रस्तुत पाठ्यांशटी जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवतर दशम स्कंदर गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्यायरु अणा जायछि। एही अंशरे कवि श्रीकृष्णंक मुखरे वृक्षर महात्म्य वर्णना करिछन्ति। आसंतु शुणिबा कविताटी। एमन्ते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तोष होई गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई गोपाळ मिले दामोदर गाई चराई कले दूर गोपाळ मिले दामोदर गाई चराई गले दूर निदा घर बीते ज लागी पोए होइले दुख भागी चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले वृक्षंकु चाही दामोदर बोलंती गोपंक आगर हेस्तोक कृष्ण मित मोर श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देव प्रस्त देखए वृक्षंक महत्व परे करंती उपकार सुजन प्राणीक व्यवहार शीत वरसा घर्म दुख सही आम्भंकु दंती सुख धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणीकर सुजन घरे जेन्हे जाई अतिथि निराश नुहई पत्र कुसुम फल छाई मुकब कल दारु देई क्षार अंगार भस्म अठा गृह कु साजी बाड़ कंटा एते प्रकारे सेवा करी नित्य ए पर उपकारी एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्ये देह बही मन वचन धने करी जे होए पर उपकारी दिन हरांति दुख सुखे से धन्य इह पर लोके पुष्प पल्लव फल दले तरुर लंब डाल तले गोरु गोपाल घेनी संगे मिलिले जमुनार लगे शीतल जल पान करी वृक्षर तले नर हरि कृष्णंकु देखि गोपबाळे कहंती क्षुधार विकले से राम कृष्णर अग्रत नमई दास जगन्नाथ। एठी शेष हला कविता वृक्ष महात्म्य।